दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिसाइड करेंगे कि हमें बाइक लेनी चाहिए या फिर स्कूटी लेनी चाहिए। बाइक के मामले में सबसे ज्यादा ये बिकती है हीरो स्प्लेंडर, और स्कूटी के मामले में होंडा की एक्टिवा सबसे ज्यादा बिकती है। तो आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि हम अगर न्यू कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो इन दोनों में से हमें कौन सी लेनी चाहिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन दोनों का वॉक अराउंड वीडियो दिखा देता हूं, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा ये दिखती कैसी है। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इन दोनों के प्राइस की। तो दोस्तों ये भी 91,92,000 की आती है और ये भी 91,92,000 की आती है, मतलब दोनों क्या प्राइस बिल्कुल सेम ही है, और बाकी इनमें फीचर्स अलग अलग आते हैं। दोस्तों इंजन की बात करें तो इसमें आपको 110 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी पावरफुल है, और इसमें आपको 97 सीसी का पावरफुल इंजन देखने को मिलता है। पावर के हिसाब से दोस्तों इसमें ज्यादा पावर रहती है, मतलब वैसे इसमें गियर्स आते हैं, इसमें गियर्स नहीं आते, तो इसमें पावर थोड़ी कम रहती है। बात करते हैं इन दोनों के मेंटेनेंस की। तो दोस्तों इसका मेंटेनेंस थोड़ा हाई पड़ता है, इसके मेंटेनेंस इसके पार्ट्स महंगे आते हैं, और इसके पार्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं और बहुत ही सस्ते आते हैं, मतलब उससे ज़्यादा सस्ते आते हैं इसके और किफ़ायती आते हैं। एवरेज की बात करें तो दोस्तों ये नई जो अपन दोनों लेंगे तो इसमें आपको 55 से 60 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देखने को मिलता है, और इसमें आपको 65 से 70 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देखने को मिलता है, और बाद में पुरानी होने के बाद ये 33-35 की एवरेज देती है, ये आपकी 40-45-50 की भी एवरेज दे देती है। मेंटेनेंस के ऊपर है, पर दोस्तों एवरेज ये ही ज़्यादा अच्छी देगी। दोस्तों तीसरी बात करते हैं इनके फीचर्स की। तो दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं। इसमें आपको कॉल SMS अलर्ट का फीचर देखने को मिलता है, और एक डिजिटल आपको मीटर देखने को मिलता है, काफ़ी स्टाइलिश और सुंदर लुक देता है क्रोम की फिनिशिंग के साथ। वहीं हम इसमें स्कूटी में देखते हैं एक्टिवा 6G में, तो इसमें आपको बिल्कुल सिंपल एक मीटर देखने को मिलता है, जिसमें कोई भी मतलब फीचर्स है नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं इनमें लोड कितना कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको बाइक में क्या मिलता है, आपको एक सिंपल एक कैरियर देखने को मिलता है स्प्लेंडर में, जिसपे आप सिलेंडर वगैरह इतनी सी जगह में रख सकते हो। दोनों ही लोड काफ़ी अच्छा कैरी कर लेते हैं, पर इसमें आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। इसमें आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रख सकते हो, और काफ़ी बड़ी सीट भी होती है जिसपे आप पीछे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों ये अगर गिरती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक और स्टील यूज किया गया है। वहीं दोस्तों इसमें बात करते हैं ये अगर गिरती है तो इसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों एक बात और करें, अगर आप गांव जैसे इलाके में रहते हो तो उसमें आप अगर उबड़ खाबड़ में इसको यूज़ करोगे तो ये वाइब्रेट करने लग जाएगी, जिससे इसके पार्ट छिलने लगेंगे और अजीब सी नॉइज़ देगी। वहीं ये है दोस्तों, ये बनाई गई है कच्चे रास्तों के लिए, तो इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप कैसे भी रास्तों में इसको चलाओ ये कंफर्टेबली चल लेगी, ये थोड़ा सिटी राइड के लिए सही है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी सीटिंग कैपेसिटी की। तो दोस्तों वैसे तो लीगली अपन दो लोग ही इस पे अलाउ है बैठने के लिए, दोनों चीज़ों पे इन पे दो से ज़्यादा बैठ नहीं सकते, पर इस पे मतलब दोनों में ही आपको काफ़ी बड़ी सीट मिलती है, आप 3 से 4 बंदे आराम से इन पे बैठ सकते हो। दोस्तों आपको स्कूटी लेने में एक फ़ायदा ये है कि इसमें आपको डिग्गी देखने को मिल जाती है, इसमें आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप हेलमेट वगैरह कुछ रख सकते हो, आप अपना सामान रख सकते हो। वहीं हमें बाइक में कुछ भी ऐसा मतलब बूट स्पेस देखने को नहीं मिलता, इसमें आपको अलग से एक डिग्गी लगवानी पड़ेगी या बैग लगवाना पड़ेगा, जो दिखने में इतना अच्छा लगता नहीं है। तो ये एक इसका एडवांटेज था स्कूटी। तो ये था एक कंपैरिजन वीडियो कि हमें बाइक लेनी चाहिए या फिर स्कूटी। होप आप लोग समझ गए होंगे आपको इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।